अंबानी परिवार की बहुएं कितनी एजुकेटेड हैं, अंबानी परिवार के बारे में कौन नहीं जानता है। इनके अमीरियत के चर्चे देश विदेश तक फैले हुए हैं, लेकिन आज हम आपको अंबानी परिवार के अमीरियत के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि उनके परिवार के एजुकेशन के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि ये बहुएं मुकेश अंबानी का खजाना कैसे बर्बाद करती है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को भला कौन नहीं जानता। नीता अंबानी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने मुंबई के नरसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही नीता अंबानी ने भरतनाट्यम डांस भी सीखा है, वो इसमें ट्रेंड और प्रोफेशनल है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी से शादी करने से पहले नीता अंबानी एक स्कूल में टीचर रह चुकी है। आज नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री की मालकिन है। वैसे काफी अच्छी पढ़ी लिखी है नीता अंबानी और उतना ही बला की खूबसूरत भी है, ऊपर से डांसर, क्या ही बात है। वैसे नीता अपने ऊपर पैसे भी खूब उड़ाती है, सुबह उठने के साथ ही इनके एक खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। वो दिन की शुरुआत जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड नोरिटिक के कप में चाय पीकर करती है। नोरिटिक क्रॉकरी की खास बात यह है कि इसमें सोने के बॉर्डर है और इसके 50 पीस के सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए, यानी एक कप चाय की कीमत 3 लाख रुपए हुई। इसके साथ ही ये ब्रांडेड हैंडबैग्स, वॉच, हील्स की शौकीन है। नीता अंबानी के कपड़े से लेकर गाड़ियां तक की कीमत इतनी ज्यादा होती है जिन्हें कमाने में 7 पुश्ते भी कम पड़ जाएं। बताते चले कि नीता अंबानी अपने फिटनेस में ध्यान देने के लिए कोई साधारण पानी नहीं पीती, बल्कि इस पानी की कीमत करोड़ों में है। एक बोतल पानी की इस कीमत में लग्जरी कार और लग्जरी होम आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीता अंबानी के पानी की एक बोतल की कीमत लगभग 44 लाख रुपए बताई जा रही है। इतने रुपए में सिर्फ 750 ml की एक बोतल मिलती है। वैसे इस बोतल का इस्तेमाल नीता अंबानी नहीं, कई बड़े सितारे और क्रिकेटर भी करते हैं। दरअसल इस पानी में खुद को फिट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जिस पानी की बोतल की बात करें, इसका नाम एक्वा डी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो ए मोडी ग्लानी है। अब बारी आती है मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की। टीना अंबानी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के MM प्यूपल स्कूल से की है। इसके साथ ही टीना अंबानी ने जय हिंद कॉलेज से आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी किया। साल 1975 में टीना अंबानी ने फेमिना टीन प्रिंसेस ऑफ इंडिया का खिताब भी जीता था। दोस्तों, टीना एक हीरोइन थी, लेकिन शादी के बाद ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। इनके खर्चों की बात करें तो ये अपनी जेठानी नीता अंबानी के आगे कुछ खर्च नहीं करती, यानी ये इतना लग्जरी लाइफ नहीं जीती है। अगला नंबर आता है मुकेश और नीता अंबानी की बड़ी बहू का। आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अंबानी परिवार के स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए श्लोका अमेरिका चली गई और उन्होंने वहां के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में अपनी एजुकेशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। श्लोका मेहता के पास लॉ की भी डिग्री है, उन्होंने लॉ से अपना मास्टर्स किया। श्लोका भी अपने लाविश लाइफस्टाइल को लेकर छाई रहती है। श्लोका मेहता महंगी और लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन है। उनके पास मिनी कूपर, मर्सिडीज बेंज, बेंटली जैसी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। अपनी सास नीता अंबानी की तरह श्लोका को गहनों का भी काफी शौक है। श्लोका भारत के बड़े हीरा व्यापारी में शुमार रसेल मेहता की बेटी है। इसके साथ ही श्लोका मेहता को समाज सेवा में भी काफी दिलचस्पी है। उन्होंने साल 2015 में कनेक्ट फॉर नामक इंस्टीट्यूशन की स्थापना में मदद की थी। ये इंस्टीट्यूशन कई NGO को आर्थिक मदद पहुंचाती है। इसके साथ ही श्लोका मेहता अपने पिता की कंपनी रोजी ब्लू फाउंडेशन के डायरेक्टर रही है। ये कंपनी भारत के बड़े हीरा कंपनियों में से एक है। स्टार सन्स फोल्डेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में श्लोका मेहता के पास कुल 120 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। अब बारी है सबसे छोटी बहू की, जो अभी हाल ही में नई नवेली दुल्हन और इनके परिवार की बहू बनी है। गुजराती परिवार में जन्मी अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। राधिका के पढ़ाई लिखाई की बात करें, राधिका ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और इकोले मोन्डियल वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाई की और फिर हायर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क चली गई। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। पढ़ाई करने के बाद राधिका फैमिली बिजनेस संभाल रही है और वो एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शुमार है। काफी लग्जरी जीने वाली राधिका मर्चेंट की नेटवर्क की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका के पिता की कुल नेटवर्थ करीब 755 करोड़ रुपए है। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट भी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है। ऐसे में राधिका इतनी संपत्ति के इकलौती वारिस है। हालांकि अंबानी परिवार में शादी होने के बाद राधिका के नाम पर और भी काफी प्रॉपर्टी जुट चुकी है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक रियल एस्टेट फर्म के साथ काम भी किया है। 24 वर्षीय राधिका को क्लासिकल डांस काफी पसंद है और वो गुरु भावना ठाकर के मार्गदर्शन में श्रीनिभा आर्ट से शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रही है। ये बात हुई अंबानी परिवार की बहुओं की, लेकिन चलते चलते मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी के एजुकेशन की लग्जरी लाइफ के बारे में बता देते हैं। ईशा अंबानी तीनों भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। 23 अक्टूबर 1991 को मुंबई में जन्मी ईशा अंबानी ने स्कूली शिक्षा अपने ही पिता के स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। वो स्कूल के दिनों से ही काफी इंटेलिजेंट रही है। बाद में हायर स्टडीज के लिए ईशा अंबानी अमेरिका चली गई और वहां की नामचीन येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड से बिजनेस की MBA की पढ़ाई की। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों भाई बहनों में ईशा अंबानी इकलौती हैं जिन्होंने किसी दूसरी कंपनी में भी नौकरी की है। ईशा अंबानी ने स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैकिन्से एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम ये कर चुकी है। इसके बाद ही वो अपने पिता
मीडिया के बिजनेस में उतरी। अब ईशा अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डर भी है और इसके अलावा साल 2016 में लैक्मे फैशन वीक में आजियो फैशन ऑनलाइन ब्रांड को लॉन्च किया है। साल 2021 अक्टूबर में ईशा अंबानी ने रिलायंस ब्रांड्स के जरिए फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन ब्रांड में निवेश करते हुए 40% की हिस्सेदारी खरीद ली। स्कूल के दिनों से ईशा अंबानी को फुटबॉल पसंद है। ईशा पियानो भी बजाती है। इसके अलावा ईशा को मां नीता अंबानी की तरह फैशन ब्रांड्स में भी काफी दिलचस्पी है।